हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द बानी टू प्रयागराज। मैं अतुल शुक्ला आप सबका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं स्ट्रिंग में, वो कुछ स्ट्रिंग से रिलेटेड कुछ स्पेशल फंक्शन की बात करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं वो क्या है, कैसे। आई होप कल की बात आपको समझ में आ गई होगी। कल जो कुछ भी आपने पढ़ा, जो कुछ भी समझा, स्ट्रिंग का डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन। अब बातें जो होंगी स्ट्रिंग पे, कई तरीके के काम होंगे स्ट्रिंग को हैंडल करने के लिए, स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करने के लिए। उन सारे फंक्शन को एक तरीके से करना प्रोग्रामिंग वे में, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था। तो उसके लिए कुछ फंक्शंस बनाए गए जो कि उस खाली स्ट्रिंग के लिए ही कुछ खास वर्क करने के लिए किए जाते हैं। आइए समझते हैं वो खास वर्क क्या है, वो होते कैसे हैं, उनका हमें यूज कैसे करना है। द फाइल स्ट्रिंग डॉट एच, जो हमारी हेडर फाइल होती है स्ट्रिंग डॉट एच, वो फाइल हमारी अवेलेबल इन द लाइब्रेरी ऑफ सी हैज सेवरल बिल्ट इन फंक्शंस फॉर स्ट्रिंग मैनिपुलेशन। स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के लिए कुछ खास तरीके के फंक्शंस बनाए गए हैं, उसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड फंक्शन फॉर द स्ट्रिंग। टू यूज दिस फंक्शन द हेडर फाइल्स स्ट्रिंग डॉट एच मस्ट बी इंक्लूड एट द बिगिनिंग ऑफ अ प्रोग्राम, एट द बिगिनिंग ऑफ अ प्रोग्राम। मतलब इसके प्रोग्राम, जो प्रोग्राम जब भी कभी फंक्शन का हम यूज करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, स्ट्रिंग डॉट या हेडर फाइल हमें क्या करना होगा, जरूर यूज करना होगा। देर आर मेनी प्रीडिफाइंड फंक्शन इन यूज ऑफ स्ट्रिंग मैनिपुलेशन इन सी, बट दे आर ओनली 7 मेनली इज डिस्क्राइब्ड। कहने का मतलब ये प्रीडिफाइंड फंक्शन होते हैं। प्रीडिफाइंड फंक्शन होने का मतलब ये कि फंक्शन पहले से बनाए गए होते हैं। ये फंक्शन पहले से ही क्या किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। प्रीडिफाइंड का मतलब, प्रीडिफाइंड और यूजर डिफाइंड की बातें मैं आगे करने वाला हूँ फंक्शन टॉपिक में बहुत अच्छे से। लेकिन यहाँ पे मैं आपको कुछ मेनली जो 7 कुछ फंक्शंस हैं जो केवल स्ट्रिंग की मैनिपुलेशन के लिए यूज किए जाते हैं, उनकी मैं यहाँ पे आपसे चर्चा करने वाला हूँ। यकीन मानिए इन 7 फंक्शन में से 2 से 3 आपके एग्जाम में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आ ही जाने हैं, आप इसको स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, आइए बात करते हैं स्टार लेन। यहाँ पे स्टार का मतलब सितारे से नहीं है, यहाँ पे स्टार का मतलब, एसटीआर का मतलब हमारा किससे है, स्ट्रिंग से है। किससे है, स्ट्रिंग से है। इसको 2 भागों में डिवाइड करिए, एसटीआर और एलईएन। एलईएन का मतलब लेंथ, मतलब लंबाई से है, और स्टार का मतलब स्ट्रिंग से है। तो कहने का मतलब दोस्तों ये कि मान लो होता क्या है कि हम कोई स्ट्रिंग बनाते हैं, क्या बनाते हैं, कोई स्ट्रिंग है हमारे पास, उस स्ट्रिंग का नाम हमने क्या दे दिया, स्ट्रिंग ही दे दिया। क्या दे दिया, उस स्ट्रिंग का नाम हमने क्या दे दिया, स्ट्रिंग ही दे दिया। अब मैं आपसे पूछूं इसकी लंबाई कितनी है, अपने प्रोग्राम में, मतलब एक प्रोग्राम में आपसे बोल रहा हूँ कि राइट ए प्रोग्राम इंटर एनी स्ट्रिंग थ्रू द यूजर एंड फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग की क्या फाइंड करिए, लंबाई आप फाइंड करिए। तो ऐसा करने के लिए आपको एक प्रोग्राम बनाना होगा, और उस प्रोग्राम बन जाएगा आपसे, कोशिश करिए, मैं बताऊंगा कि प्रोग्राम बनाया भी कैसे जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको एक बात को समझनी है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हमने स्ट्रिंग नाम का क्या बनाया, स्टार लेन नाम का एक फंक्शन बनाया, जो कि जिसके अंदर किसी भी स्ट्रिंग का नाम लिखने से उस स्ट्रिंग की कितनी लंबाई है ये बात पता चल जाएगी आउटपुट के तौर पे। हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा कि किसी चीज़ की लंबाई जो है वो कभी करेक्टर में होगी क्या, मतलब उनकी लंबाई ए है, उनकी लंबाई बी है, हमेशा और हमेशा क्या होगी, एक न्यूमरल होगा भाई। करेक्टर की लंबाई ऐसा तो नहीं ना प्लॉट में होगा भाई, ये स्ट्रिंग की लंबाई 5.5 है, 5.5 है, ऐसा भी तो नहीं हो सकता ना। तो कहने का मतलब ये स्ट्रिंग की जो लेंथ होगी हमेशा और हमेशा किस में होगी, इंटीजर में होगी, इसमें होगी इंटीजर में होगी। इंटीजर में होने का मतलब क्या हुआ, इंटीजर में होने का मतलब ये हुआ, अब आप एक कॉन्सेप्ट बना लीजिए यहीं पे कि स्ट्रिंग की जो लंबाई है ये फंक्शन अपना जो आउटपुट देगा वो हमेशा और हमेशा क्या देगा, इंटीजर देगा। आई होप बात समझ में आ गई होगी। अब दूसरी बात करते हैं
STREV स्टार रेव के तरीके से बोल सकते हैं। स्टार रेव होने का मतलब क्या है हमारा कि स्ट्रिंग रिवर्स, स्ट्रिंग क्या है, रिवर्स है। स्ट्रिंग रिवर्स होने का मतलब यह हुआ ये किसी भी स्ट्रिंग को रिवर्स आर्डर में लिख देगा, ठीक है, मान लो उल्टा पुल्टा कर देगा, मतलब बड़ा ही खतरनाक तरीके से आप बोल सकते हो ये वो सब उल्टा पुल्टा कर देता है, ठीक है। अगर मैं अपना नाम, इसी वजह से मैंने अपना नाम नहीं लिखा यहाँ पे, अभी तक अपना नाम लिख रहा था, हमारे नाम को उल्टा कर देता है, बड़ा अजीब लगता है अपना नाम जब कोई बिगाड़ता है तो पूरी फंक्शन तो बिगाड़ ही देगा। अगर मान लो हमने क्या लिखा, एक हमने स्ट्रिंग बनाई ए बी सी डी, इस फंक्शन को हमने बना दिया, इस स्ट्रिंग को हमने बना दिया और हम क्या कर, इसका नाम हमने क्या रख दिया, ए नाम रख दिया, इसकी साइज चलो हमने मान लिया क्या लिख दिया, 10 लिख दिए, चलो कर्ली ब्रैकेट भी लगा लिया हमने और क्या कर लेते हैं, कैरेक्टर भी बना लिया। अब अगर हम कहीं पे भी STREV लिखें, क्या लिखें, STR और REV लिखें और इसके अंदर हम क्या लिख दें, ए लिख दें, बस ये लिखने की जरूरत भी नहीं है आपको, केवल आप ए लिख दीजिए तो ये जो आउटपुट देगा, जो कुछ भी ये प्रिंट करेगा ना, वो क्या प्रिंट करेगा दोस्तों, ये DCBA कर देगा, क्या कर देगा, DCBA कर देगा। तो किसी भी स्ट्रिंग के आर्डर को रिवर्स कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टार रेव फंक्शन का यूज करते हैं। अगली बात यह कि मान लो आप कोई स्ट्रिंग बना रहे हो 1 2 3 4, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ये भी स्ट्रिंग है, तो आप हमारी बात को मानने के लिए तैयार होने का मन हो या ना हो, होना ही पड़ेगा, क्योंकि ये भी अपने आप में स्ट्रिंग है। क्योंकि करेक्टर के लिए हमने आपसे बोला था एनी सिंबल विच इज इनक्लोज इन द सिंगल इनवर्टेड कॉमा इज कॉल्ड करेक्टर कॉन्स्टेंट, तो करेक्टर का ही बड़ा भाई है ना ये स्ट्रिंग, तो कुछ भी अगर डबल कोट के अंदर लिख दिया जाए, चलो हम कुछ भी नहीं लिखते हैं, जगह दे देते हैं, वो भी हमारा क्या है, स्ट्रिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब हमारा यही है, ये क्या कर देगा, इसको भी 4321 कर देगा, 4321 कर देगा। काम कैसे करता है, किस तरीके से प्रोग्राम में एग्जीक्यूट कराएंगे वो हम आगे देखेंगे, कि समझिए एक नाम क्या है और काम क्या है। ये बहुत ही आसान होता है, हर किसी के साथ में इसका नाम जुड़ा होता है। जैसे लेन हमने लिख दिया, तो इस लेन का मतलब लंबाई से है, रेव का मतलब रिवर्स से है, और भी बहुत कुछ है, आइए देखते हैं। हाँ, लिखा हुआ है STR लोअर, पहनने वाला लोअर नहीं जी, ये लोअर है, लोअर केस से इसका मतलब है, लोअर केस से इसका मतलब होने का रीजन ये है, मान लो कि आप कोई स्ट्रिंग बना रहे हो और स्ट्रिंग का नाम मान लेते हैं आपने क्या ले लिया, ए, इसकी साइज मान लो 10 है और 10 के अंदर आपने क्या लिखा हुआ है, ए बी सी डी, और ये अपने आप में क्या है भाई, एक स्ट्रिंग है, अपने आप में क्या है, स्ट्रिंग है। और स्ट्रिंग किस में लिखी गई है, आप देख रहे हैं सारी की सारी अपर केस में लिखी है, लेकिन अगर इसी सेम प्रोसेस को मैं कैसे लिख दूं, मैं ऐसे लिख देता हूं STR LWR लिखने के बाद मैं यहां पे ये लिख दूं, इसका जो आउटपुट होगा वो क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। हाँ, जादू नहीं है, ये फंक्शन का कमाल है। और इस फंक्शन को बनाते समय कैसे बदलाव होगा, इस बात को पूरा का पूरा अच्छी तरीके से समझाया गया है, ठीक है। अब उसके साथ आपको एक और दिख रहा होगा STR UPR, क्या दिख रहा है, STR ऊपर, हाँ स्टार UPR ना। अब इसका मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं आप, विरोधी है, दुश्मन है। दुश्मन होने का मतलब क्या हुआ, अगर ये बड़े को छोटे में बदल दिया तो छोटे वाले की भी कुछ पावर होनी चाहिए ना, उसके लिए UPR फंक्शन है। ये क्या करता है, अगर मान लो कोई स्ट्रिंग कैसे लिखी हो, ए नहीं, मान लो लोअर केस में लिखी हो, ए बी सी डी, ए
एबीसीडी मान लो हमने लिखा है, तो ये क्या कर देगा इसको, इसको अगर हमने ऐसे लिखा क्या ए, तो ये इसको कन्वर्ट कर देगा कैसे, ए बी सी और डी में, ए बी और सी और डी में। तो कहने का मतलब यही है कि ये क्या कर देता है, अपर केस में कन्वर्ट कर देता है। तो आई होप आप सेशन को एंजॉय करे होंगे। अब बात करते हैं हम एक नए टाइप की स्ट्रिंग की। नए टाइप का स्ट्रिंग मतलब होता है ना कि हमारे दिमाग में लाइक्स आती रहती हैं। सर मान लो अगर कोई स्ट्रिंग ऐसी भी है जो अपर केस में भी है और लोअर केस में भी है, तब क्या होगा, आइए उस केस को भी देख लेते हैं। मान लो यहाँ पे हमने ए बी सी डी ना लिख के थोड़े सा हमने बदलाव किया, वो बदलाव हमने क्या किया, हमने यहाँ पे लिख दिया ए बी सी और डी। अब हम कोई भी फंक्शन चलाएं, मान लो हमने यूपीआर ही चलाया, यूपीआर ही चलाया तो अब ये आउटपुट क्या देगा, सोच रहे हैं ना आप लोग? हाँ, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। जो पहले से अपर में है उसको ये वैसे ही रहने देगा, और जो पहले जो लोअर में है केवल उसी को कन्वर्ट करेगा। मतलब अपर यूपीआर अगर आप लगा दिए, चाहे वो अपर में रहा हो या ना रहा हो, वो पूरे को पूरे को क्या करेगा, अपर में कन्वर्ट कर देगा। हाँ, और कुछ लोगों के दिमाग में ये बात भी आ रही होगी, सर अगर आपने बताया था अभी कुछ देर पहले एग्जाम्पल 1 2 3 4 लिखेंगे तो क्या होगा ना, हाँ तब कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होने का मतलब क्या है, कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या हो जाएगा भाई, ए बी सी डी हो जाएगा। अगर इसी में हम क्या एल डब्ल्यू आर लिखेंगे, स्टार लोअर लिखेंगे, उस केस में क्या हो जाएगा, तब सारा का सारा लोअर केस में हो जाएगा। तब ये लोअर केस वाले को इग्नोर कर देगा और जितने भी अपर केस में है उनको चेंज कर लेगा। आई होप आपको बात ये समझ में आ रही होगी। अब जो अगला फंक्शन है वो क्या है, एस टी आर सी पी वाई। सी पी आई का मतलब किससे है भाई, कॉपी से है, किससे है, कॉपी से। कॉपी लिखने वाला नहीं, कॉपी मतलब किसी चीज का फोटो कॉपी हम लोग बोलते हैं ना, जिराक्स, बिल्कुल वही, किसी चीज को एक जगह से ले जा के दूसरी जगह पे रखना, और वो जगह उसी जगह पे रहे ही साथ में नई जगह पे भी पहुंच जाए, इसी को तो हम लोग कॉपी बोलते हैं, है कि नहीं। हिंदी में प्रतिरूपण बोला जाता है, थोड़ी सी कठिन हिंदी है, ठीक है, इसी वजह से हमने एग्जाम्पल के थ्रू बताया आपको। तो कॉपी करने का मतलब ये जो एस टी आर सी पी वाई फंक्शन जो होता है हमारा, एस टी आर सी पी वाई फंक्शन हमारा करता क्या है, जैसे मान लो कि हमने कोई एक स्ट्रिंग बनाया क्या ए नाम से, और हमने इसी के साथ में एक दूसरी स्ट्रिंग भी डिक्लेयर की थी, किस नाम से, बी नाम से, कैर बी हमने बना लिया और एक ए हमने बना लिया, जबकि बी की साइज हमने क्या दे दी, 5 दे दी, क्या दे दिया दोस्तों, 5 दे दिया, कामा लगा देते हैं यहाँ पे, और हम चाहते हैं कि ए के अंदर जो कोई भी स्ट्रिंग है वो बी के अंदर चली जाए, तो ऐसा करने के लिए हम क्या लिखेंगे, एस टी आर सी पी वाई। strcpy लिखने के बाद यहाँ पे हम क्या लिख दिए, a, a को हमने पहले क्यों लिखा, क्योंकि एक एलिमेंट को हमें कॉपी करना है। आपको भी इसी बात का ध्यान रखना है कि जिसके एलिमेंट को हमें कॉपी करना है वो लिखना है, और फिर कामा लगाना है, कामा लगाने के बाद जिसमें कॉपी करना है, जिसमें कॉपी करना है, नहीं समझ रहे आप, जैसे मान लो आपको बी में करना है, ऐसे कर दीजिए। इसका मतलब यह हुआ कि जो इसका रखा हुआ पूरा का पूरा एलिमेंट जो है वो किसमें कॉपी हो जाएगा, ए में कॉपी हो जाएगा। आई होप बात समझ में आपको आ रही होगी। अगला है strcmp, सीएमपी एक कॉलेज भी है, चौधरी महादेव प्रसाद, शायद आप जानते होंगे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की ब्रांच है। तो यहाँ पर सीएमपी का मतलब क्या हुआ, कंपेरिजन से हुआ, किससे हुआ, कंपेरिजन से हुआ, कंपैरिजन का मतलब किससे है भाई, तुलना करने से है। मान लो कोई हमने स्ट्रिंग लिखा क्या, अमर, एग्जांपल है एक अमर नाम से हमने लिखा और एक दूसरा हमने क्या लिखा, अमित नाम से लिखा, दो स्ट्रिंग है हमारे पास अमर और अमित। अब हम अगर एक प्रोग्राम बोलते हैं आपसे कि राइट ए प्रोग्राम टू इंटर एनी टू स्ट्रिंग एंड चेक, एंड चेक दे आर इक्वल आर नॉट, दे आर सेम आर नॉट, वो हमारी सेम है, इक्वल है कि नहीं है,
तो इस प्रोग्राम को करने के लिए फिर हमें इस कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी कंपैरिजन करने वाले की। कंपैरिजन करने वाले में देखिए, अब कराने वाला भी बहुत अच्छा सोचा होगा, पहले के दो लेटर तो डाल देते हैं सेम ही, बाद वाले बदल देंगे। कंप्यूटर है कौन सा कुछ जानता है उस ला लेंगे, ऐसा नहीं है। ये हर एक करेक्टर को क्या करता है, चेक करता है, और ये क्या बताएगा, जीरो बताएगा। ये फंक्शन कैसे करेगा ये हम थोड़ा सा वेट करके आगे देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे इस बात को समझाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, ठीक है। एसटीआरसीएटी मतलब इसको बोल सकते हैं आप लोग स्टार बिलार, क्या मतलब बिल्ली होती है, बिल्ली को बिलार भी बोलते हैं, है कि नहीं। तो एसटीआरसीएटी का मतलब क्या है, स्ट्रिंग कंटिनेशन। कंटिनेशन करने का मतलब क्या होता है, कोई भी स्ट्रिंग हमारे पास बनी है मान लो, और इसके साथ में कुछ नई स्ट्रिंग हमें जोड़ना है। कॉपी में क्या होता था, कॉपी हो जाता था। अगर मान लो किसी स्ट्रिंग में कॉपी होता था, मान लो बी का डेटा ए में कॉपी हो रहा था, तो बी जो ए के अंदर पहले से डेटा रखा है वो हट जाता था। ए के अंदर जो पहले से डेटा रखा है वो क्या हो जाता था, हट जाता था, तब बी का एलिमेंट यहाँ पे आता था। तब जा तो रहा है लेकिन हटा दे रहा है उसके वाले एलिमेंट को, फिर कॉपी हो रहा है कि नहीं। लेकिन कंटिन्यूएशन में क्या होगा, उसके आगे ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब दिमाग में आ रहा होगा सर अगर जगह नहीं होगी तो, जितने की जगह होगी केवल उतना ही जाएगा, ठीक है। अब आइए जरा आगे बात को समझते हैं भाई। स्ट्रिंग लेंथ, ठीक है, अब इसको हम लोग ब्रीफ में पढ़ने वाले हैं। दिस फंक्शन इज यूज्ड टू फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग और द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन अ गिवन स्ट्रिंग एक्सक्लूडिंग द एंड ऑफ स्ट्रिंग कैरेक्टर नल। कहने का मतलब किसी स्ट्रिंग की लंबाई को बताएगा, वो भी नल कैरेक्टर को उसमें जोड़ के, मतलब अपना एक हिसाब किताब आगे से बढ़ा लेगा। जैसे क्या होता है कि आप लोग देखे होंगे घर के छोटे बच्चे जाते हैं उनसे कुछ सामान मंगाओ, तो वो क्या करते हैं उसमें अपना कमीशन वाला जो पैसा होता है जोड़े रहते हैं, 5 रुपया की हमारी टॉफी भी, हमारा चॉकलेट भी, हमारा कुरकुरे भी। बिल्कुल वैसे ही ये भी करता है, ये क्या करता है भाई, इसमें अपने नल कैरेक्टर वाले को जोड़ लेगा। एक सिंटेक्स क्या है, स्टार लेन स्ट्रिंग नेम या फिर स्टार लेन स्ट्रिंग। एग्जांपल देख लीजिए, कैर हमने बनाया, एक स्ट्रिंग है हमारी कैर या सॉफ्टेन, क्या कैर या सॉफ्टेन, और इसके अंदर हमने क्या लिखा, प्रयागराज लिखा, तो स्टार लेन यस करेंगे या फिर बेंगलोर लिखेंगे। कहने का मतलब या तो स्टार लेन यस लिखेंगे, तो यस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्चुअली प्रयागराज को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो दूसरा सिंटेक्स है इसको जरा गौर फरमाइएगा आप लोग, या तो हम स्ट्रिंग का नेम लिखें या तो पूरी पूरी स्ट्रिंग ही लिख दें। पूरी यहाँ पे हमने देखो पूरी पूरी स्ट्रिंग ही लिखी है, तो इसमें क्या हो रहा है, पूरे की पूरी स्ट्रिंग की लंबाई को बता देगा। तो यहाँ पे टोटल कितने कैरेक्टर हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल कितने हो गए, 10 हो गए। हाँ, यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 तो कैरेक्टर है और लास्ट हमारा नल कैरेक्टर, तो मिला के कितना हो गया, 9 हो गया। तो ये जो प्रोग्राम हमारा आउटपुट देगा या फंक्शन, वो हमेशा एक बढ़ा के देगा, और इस तरीके से हम लिख सकते हैं। इसमें मेनली दो बात आपको समझ के चलनी है, वो बातें क्या हैं कि हमेशा किसको नल कैरेक्टर को जोड़ के लिखता है, और दूसरी बात सिंटेक्स में या तो हम स्ट्रिंग का नेम लिख दें या तो पूरी पूरी स्ट्रिंग ही लिख दें, दोनों केस में इसका रिजल्ट आ जाता है। एक एग्जांपल के थ्रू इस बात को समझते हैं। यहाँ पे एग्जांपल क्या है कि हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हैज इंक्लूड कोनियो डॉट एच, हैज इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच। यहाँ हमने लिखा कैर नेम 20, एक हमने स्ट्रिंग बनाया, इसके बाद हमने एक इंटीजर बनाया ए नाम से, इंटर योर स्ट्रिंग, अपनी स्ट्रिंग इंटर करिए। यूजर ने गेट्स फंक्शन के थ्रू अपनी क्या कर दी, स्ट्रिंग इंटर की, और स्ट्रिंग में उसने क्या इनपुट किया, अलाहाबाद, क्या इनपुट किया, अलाहाबाद इनपुट किया। अलाहाबाद इनपुट करने के बाद क्या हुआ भाई, यहाँ पे ध्यान दीजिए 3 3 6 3 9, और यहाँ पे जैसे यूजर ने इनपुट किया तो इसका जो आउटपुट आ रहा है वो क्या आ रहा है भाई, इसका जो आउटपुट आ रहा है वो क्या आ रहा है, 10 आएगा। सॉरी यहाँ पे 9 लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या आएगा, 10 आएगा, क्योंकि ये नल कैरेक्टर को इंक्लूड करके रखता है, इस वजह से यहाँ पे क्या कैरेक्टर उसका आउटपुट आ रहा है, 10 आ रहा है, ठीक है। और इस तरीके से हमने क्या करा दिया, प्रिंट करा दिया। एक के अंदर हम इस डेटा को स्टोर भी कर लिया हमने,
मतलब जो लेंथ आएगी वो किसमें आएगी, ए के अंदर आएगी, ठीक है। स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन ऑलवेज गिव्स रिजल्ट इन इंटीजर, ये पॉइंट अधिकतर एग्जाम में पूछा गया कि स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन हमेशा किसमें रिजल्ट देता है, इंटीजर में रिजल्ट देता है। दूसरी बात STREV फंक्शन, दूसरा फंक्शन हमारा इट वर्क्स इज रिवर्स द स्ट्रिंग, ये क्या करता है स्ट्रिंग को रिवर्स ऑर्डर में लिख देता है। इसमें भी हम या तो स्ट्रिंग का नाम लिखें या तो पूरी पूरी स्ट्रिंग लिख दें। एग्जाम्पल क्या है, प्रयागराज हमने लिखा या फिर बेंगलुरु लिखेंगे तो इसका जो रिवर्स है मतलब GARGAY ARAP इस तरीके से हमारा लिख देगा, बेंगलोर को भी क्या कर देगा, रिवर्स कर देगा। आइए एग्जाम्पल प्रोग्राम के थ्रू इस बात को समझते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हेडर फाइल लिखेंगे। हेडर फाइल लिखने के बाद वाइड मैन कैर नेम 10 प्रिंट अप इंटर योर स्ट्रिंग, अपनी को स्ट्रिंग इंटर करिए, हमने मान लेते नेम के थ्रू उसको स्टोर करा दिया। स्टार रिवर्स फंक्शन हमने इसको लिख दिया, अपने रिवर्स आप स्ट्रिंग, मान लो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया इलाहाबाद, तो उसका रिवर्स इस तरीके से आ जाएगा। तो यही स्टार रिवर्स फंक्शन का हमारा क्या है, इसका फंक्शन का यूज होता है। अगला क्या है, STRLWR, क्या है हमारा STRLWR, ये पूरे पूरे एलिमेंट को क्या करता है, लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है। प्रोग्राम के थ्रू बात को समझते हैं हम लोग। मान लो हमने इस तरीके से इलाहाबाद एंटर किया तो पूरा का पूरा लोअर केस में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट आप लोग लेते रहिए क्योंकि क्या होगा, बहुत डिफिकल्ट प्रोग्राम है, इस वजह से मैं इसको जल्दी से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अगर प्रोग्राम थोड़ा सा टफ होता है तो मैं बिल्कुल एक्सप्लेन करता हूँ। STRUPR, इसमें भी आपने क्या देखा था कि पूरे के पूरे स्ट्रिंग को क्या करता है, अपर केस में कन्वर्ट कर देता है। या तो इसमें स्ट्रिंग लिखें या तो स्ट्रिंग का नेम लिखें, दोनों केस में ये भी काम करता है। इसका एग्जाम्पल प्रोग्राम हमारा ये है, हमने यहाँ पे इलाहाबाद लिखा है तो पूरे के पूरे को अपर केस में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। अब हम बात करते हैं STRCPY की, किसकी बात करते हैं, STRCPY की। इट्स वर्क इज कॉपी अ स्ट्रिंग इनटू एन अरे, अरे स्ट्रिंग, ये क्या करता है, किसी स्ट्रिंग को किसी दूसरे स्ट्रिंग में क्या कर देगा, कॉपी कर देगा। पहली बात तो यहाँ पे आपको ये समझनी है कि स्ट्रिंग के वर्क को परफॉर्म करने के लिए आपके पास कोई दो स्ट्रिंग होनी चाहिए। कोई दो स्ट्रिंग मतलब एक जिसमें कॉपी करना है और एक जिसको कॉपी करना है, ठीक है। अगर जिसको कॉपी करना है और जिसमें कॉपी करना है, अकेले से तो काम नहीं होगा। या तो दूसरा ऑप्शन भी है आपके पास, वो दूसरा ऑप्शन क्या है, या तो स्ट्रिंग हो, कोई स्ट्रिंग हो और कोई स्ट्रिंग हो। तो पहले स्ट्रिंग आप लिख दीजिए, जैसे मान लो हमने मैंगो लिखा, ये इसको हमने कहीं पे डिफाइन नहीं किया, कहीं पे हमने डिक्लेयर नहीं किया, हमने डायरेक्टली एट ए टाइम लिख दिया। और दूसरा ABC, जो कुछ भी नाम से स्ट्रिंग बनाए रहेंगे उसमें हमें कॉपी करना है। बस फाइनल बात आपको एक और समझनी है कि जिस स्ट्रिंग में हम कॉपी करेंगे उसमें से कोई स्ट्रिंग पहले से मौजूद है वो उसको हटा देगा और फिर जाकर उसमें रुकेगा, ठीक है। जरा ध्यान देते हैं, एक एग्जांपल प्रोग्राम हमारा क्या है कि मान लेते हैं हमने एक STRCPY फंक्शन बनाया, उसका नेम हमने क्या दिया, अभिनंदन। यहाँ पे हमने क्या दे दिया, एक हमने अरे बनाया, ठीक है। पहले इस बात को समझिएगा, इसको मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने वाला हूँ। हमने एक स्ट्रिंग बनाई, क्या है उसका नेम, नेम है, उसका नेम ही नेम है। साइज कितनी है, 20 है, तो मैक्सिमम कितने कैरेक्टर को स्टोर कर सकता है, 19। 20 क्यों नहीं, क्योंकि नल कैरेक्टर भी तो है हमारा, है कि नहीं। फिर हमने क्या लिखा, STRCPY नेम, नेम के अंदर हमने अभी कोई डेटा नहीं रखा, नेम के अंदर हमने क्या किया, कोई डेटा नहीं रखा है। और नेम के अंदर जब हमने कोई डेटा नहीं रखा तो क्या होगा, यहाँ पे क्या लिख दिया, अभिनंदन। नेम को हमने लिखा है, नेम तो भी खाली है पूरा का पूरा, अभिनंदन को हम क्या कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं। अब ये वाली स्ट्रिंग इस वाली स्ट्रिंग में क्या हो जाएगी, कॉपी हो जाएगी। तो यहाँ पे ये आउटपुट पिछले वाले का ही आ गया है। यहाँ पे जो हम प्रिंट अप करेंगे स्ट्रिंग को, जब हम प्रिंट करेंगे तो स्ट्रिंग की प्रिंट क्या होगी, ए वाली स्ट्रिंग अभिनंदन, सेम वर्ड हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। सेम वर्ड अभिनंदन हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। इसको थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिएगा आप लोग, टाइपिंग की मिस्टेक है, ठीक है। अब बात को जरा आगे करते हैं, STRCMP, हाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है और थोड़ी सी ट्रिकी भी है। इट्स वर्क इज कंपेयर टू स्ट्रिंग्स एंड गिव्स रिजल्ट एज इंटीजर, यह दो स्ट्रिंग को कंपेयर करेगा और इसका रिजल्ट किसमें देगा, इंटीजर में देगा। इट गिव्स रिजल्ट फर्स्ट मिसमैच अल्फाबेट वैल्यू आफ्टर सबट्रैक्शन ऑफ ASCII कोड ऑफ कैरेक्टर। दोस्तों ये वो दो ही स्ट्रिंग ऐसी हैं जिनका रिजल्ट किसमें आता है, इंटीजर में आता है। एग्जाम्पल के तौर पे यह समझ लीजिए आपकी स्टार लेन और स्टार CMP।
स्टार लैम स्टार सीएमपी केवल दो ही हमारे ऐसे स्ट्रिंग हैं जिनका रिजल्ट किस में आएगा, जिनका रिजल्ट हमारा किस में आता है, इंटीजर में आता है। अगली बात इसमें ये, कभी हमने आपको बताया अमर और अमित, क्या बताया अमर और अमित एग्जांपल दिया था हमने, मान लो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया अमर, वो एक हमारे पास दूसरी स्ट्रिंग है अमित, ठीक है। तो पहले को पहले से कंपैरिजन करेगा, वो कंपैरिजन कैसे होता है, अस्काई कोड के थ्रू, किसके थ्रू, अस्काई कोड के थ्रू, अस्काई कोड के थ्रू जब ये कंपैरिजन होगा तो इन दोनों का अस्काई कोड क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इसके कंपैरिजन में केस मिसमैच नहीं होना चाहिए, केस मिसमैच हो जाएगा तब ये क्या समझेगा, तब भी ये बता देगा स्ट्रिंग हमारी सेम नहीं है। देखो यहाँ पे ए और ए हमारे दोनों सेम हैं, यम और यम हमारे दोनों सेम हैं, लेकिन ए और आई हमारे दोनों सेम नहीं है। ऐसा क्यों भाई, क्योंकि अमर और ये अमर है और वो अमित है। उस केस में ये क्या करेगा, इस केस में ये क्या करेगा, ए माइनस आई करेगा। अब आपको लगा कि ये तो कैरेक्टर है, ये कैसे सब्ट्रैक्ट होंगे, कैसे सब्ट्रैक्ट होंगे, एक अस्काई कोड कितना होता है भाई हमारा, 65 होता है, सही होता है ना। तो आई का कितना होगा, आई का कितना होगा, 74 होगा, कितना होगा दोस्तों, 74 होगा। आंसर आ जाएगा -9। तो जो स्टार सीएमपी फंक्शन होगा वो अपना रिजल्ट क्या दे देगा, -9 दे देगा। अगर स्ट्रिंग सेम है तब तो रिजल्ट 0 है, अगर स्ट्रिंग सेम नहीं है तब रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि स्ट्रिंग सेम होने के केस में रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। एग्जांपल प्रोग्राम है, इसको देख लीजिए आप लोग। हमने नेम वन नेम टू नेम और फेम नाम से दो वेरिएबल बना लिए, एक में हमने रोहन रखा, दूसरे हमने रोहित रखा, और हमने एक कंडीशन लगाई इफ के थ्रू। देखो के अंदर हमने इसकी वैल्यू को स्टोर कराया है स्टार सीएमपी में, अगर ये दोनों इक्वल होंगे तब तो रिजल्ट इसका 0 आएगा, अदरवाइज कुछ भी आ जाएगा। अगर इसके साथ हमने क्या लिखा, इसके साइन इन के इक्वल टू 0, तब स्ट्रिंग सेम है, नहीं तो सेम नहीं है। इस तरीके से हम किसी दो स्ट्रिंग को क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। बस थोड़ा सा नोट समझिए, इन दिस फंक्शन स्ट्रिंग लेटर्स केस मिसमैच इज ऑल्सो नोन एज द डिफरेंट स्ट्रिंग। अगर मिसमैच हुआ तब क्या होगा, स्ट्रिंग हमारी मिसमैच मानी जाएगी, ठीक है। स्टार सीएटी कैटिनेट द स्ट्रिंग इन टू प्रीमेड स्ट्रिंग, पहले से बनी बनाई स्ट्रिंग में क्या करता है, पहले से बनी बनाई स्ट्रिंग में इसको क्या कर देगा, जोड़ देगा, कैटिनेट कर देगा। जैसे मैं यहाँ पे दो स्ट्रिंग बनाया, यस एक हमने यस बनाया, यस के अंदर हमने हेलो रखा, और दूसरे में इसको किसको कैटिनेट करना चाहते हैं, अतुल भट्ट को कैटिनेट करना चाहते हैं। तो इसका जो आउटपुट आ जाएगा वो क्या आएगा, हेलो अतुल आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे हमने लिखा हैज इनपुट स्टूडियो डाटेज, हैज इनपुट कोनियो डाटेज, यहाँ पे हमने लिखा स्ट्रिंग डाटेज वाइड मैन नेम 15, यहाँ पे हमने लिखा वेलकम टू, और फिर दूसरी स्ट्रिंग में हमने क्या लिखा, नेम में हमने कैटेट किया बायोनेटेक डिजिटल एजुकेशन, क्या लिख दिया हमने, बायोनेटेक डिजिटल एजुकेशन। पुट्स में हमने इसको प्रिंट कराया, उसका रिजल्ट क्या आ गया, वेलकम टू बायोनेटेक डिजिटल एजुकेशन। ये पूरा का पूरा हमारा क्या आ गया, रिजल्ट आ गया। तो ये रही बात हमारी सिंपल सी स्ट्रिंग की, और स्ट्रिंग से रिलेटेड हमने फंक्शन देखे 7 फंक्शन, कौन कौन से, स्टार लेन, स्टार रिवर्स, स्टार स्ट्रिंग लोअर केस, स्ट्रिंग अपर केस, एसटीआर सीएटी, एसटीआर सीएमपी। अब कुछ बात एडिशनल बात करेंगे हम लोग हैंडलिंग मल्टीपल स्ट्रिंग। जैसे अरे हमारा मल्टीपल डायमेंशन का हो सकता था, वैसे स्ट्रिंग भी हमारी मल्टीपल डायमेंशन की हो सकती है, वैसे स्ट्रिंग भी हमारी क्या हो सकती है, मल्टीपल डायमेंशन की हो सकती है, ठीक है। आर हैंडलिंग द मल्टीपल स्ट्रिंग वी यूज 2D एरेज स्ट्रिंग। हम 2D का देखो एरे का और स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे और भी अलग हो जाएगा। जैसे मान लो हम कोई यहाँ पे कैरेक्टर की जगह पे, यहाँ पे कैरेक्टर की जगह पे क्या होता, इंटीजर होता, क्या होता, इंटीजर होता, उस केस में क्या होता, मतलब इसमें टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर, ठीक है, इस स्ट्रिंग में टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने हो जाते, 40 होते, ठीक है, कितने,
ये रो को रिप्रेजेंट करता है और ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। देखिए कौन किसको, ये रो को और ये कॉलम को। तो कहने का मतलब हम ये बोल सकते थे कि इस स्ट्रिंग में चार रो बनेंगी और कितने कॉलम बनेंगे, 10 कॉलम बनेंगे, ऐसे ऐसे टोटल 10 कॉलम बनेंगे। लेकिन स्ट्रिंग में ऐसा नहीं होता है, स्ट्रिंग केस में ऐसा नहीं होगा। बस मैं एक लाइन में इसको डिक्लेयर करने वाला हूं आपको यहां पे, बस अर्थात आपको इस अगली वाली बात को ध्यान से समझना है। यहां पे आपको यह समझना है कि टोटल हमारे पास चार स्ट्रिंग है, टोटल हमारे पास चार स्ट्रिंग है और हर स्ट्रिंग की मैक्सिमम लंबाई 10 कैरेक्टर हो सकती है। टोटल हमारे पास चार स्ट्रिंग है और हर स्ट्रिंग की मैक्सिमम लेंथ कितनी हो सकती है, 10 कैरेक्टर हो सकती है। उस वाले कॉन्सेप्ट को भूल जाइए आप। इस स्ट्रिंग के लिए टोटल जो पहली रो में लिखा रहेगा वो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग होगा और जो दूसरा सबस्क्रिप्ट हमारा लिखा रहेगा वो क्या रहेगा कि हर स्ट्रिंग की मैक्सिमम लेंथ कितनी हो सकती है, यहाँ पे हर मैक्सिमम की लेंथ कितनी हो सकती है, 10 हो सकती है। डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन, सारी चीज़ें आप देख रहे हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे टोटल चार स्ट्रिंग बन रही है 0, 1, 2, 3 और हर स्ट्रिंग की मैक्सिमम लेंथ कितनी हो सकती है, 10 हो सकती है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। इन दिस डिक्लेरेशन करेक्टर 4 of 10 वी हैंडलिंग द 4 अरेज स्ट्रिंग एंड अंडरस्टैंड देयर आर 4 रो एंड 10 कॉलम, बट दिस स्ट्रिंग चैप्टर वी ओनली हैंडलिंग द 4 स्ट्रिंग्स व्हिच मैक्सिमम लेंथ मे बी 10 और इसका क्या होगा, मैक्सिमम 10 लंबाई होगी, ठीक है। एक प्रोग्राम के थ्रू इस बात को समझ लीजिए, हैज इनपुट स्टूडियो डॉट एच, हैज इनपुट कोडो डॉट एच वाइट मैन, हमने एक स्ट्रिंग लिया नेम नाम से 5 of 10 का। अब 5 of 10 का कॉन्सेप्ट क्या समझ रहे हैं आप, 5 स्ट्रिंग हो सकती है और हर स्ट्रिंग की मैक्सिमम लेंथ कितनी होगी, 10 होगी। 1, 2, 3, 4 हमने 5 लिया है, 4 ही रख रहे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। अब यहाँ पर देखिए हमने पूरे के पूरे 10 कैरेक्टर लिख दिए, सिलारे सिया लगा के हम सबको क्या करा रहे हैं, प्रिंट करा रहे हैं। प्रिंट कराने के कई मेथड होते हैं स्ट्रिंग के, उस तरीके से इसका आउटपुट भी हमारा क्या जाएगा, ये पूरा का पूरा आ जाएगा। अतुल, आशीष, रोहित और धनंजय, ठीक है दोस्तों। ये रही बात हमारी स्ट्रिंग की, स्ट्रिंग चैप्टर हमारा खत्म होता है। तो आने वाले दिनों में नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं फंक्शन, क्या पढ़ेंगे, फंक्शन चैप्टर पढ़ेंगे। और फंक्शन चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, एक तरीके से आप बोलिए कि अगर आपको सी लैंग्वेज पास करना है तो आपको सी लैंग्वेज महारत हासिल करनी है तो आपको फंक्शन से होके गुजरना पड़ता है। फंक्शन अपने आप में सारे के सारे चैप्टर्स को इंक्लूड कर लेगा और फंक्शन ही हमारा माइलस्टोन होगा। माइलस्टोन होने का मतलब फंक्शन और पॉइंटर, यही दो टॉपिक होंगे जो आने वाले डिफिकल्ट भी हैं और मज़ेदार भी हैं। सच पूछिए तो मज़ा पढ़ के इनको ही आता है, इनको ही पढ़ के हमें अच्छा लगता है, बहुत कॉन्सेप्चुअल होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।